वालेकुम व्यूअर्स आज अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ जो बात शेयर कर रही हूँ वो ये है कि अगर आप किचन गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और अपने घर की छत पर या टेरेस पर किचन गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन सी आसान सी सब्ज़ी से स्टार्ट करना चाहिए मैं अपने कुछ प्लांट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही खूबसूरत हैं इस दफ़ा इस साल बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी जिससे प्लांट्स की कुछ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है लेकिन अब फेबररी है और सप्रिंग सीज़न शुरू होने वाला है तो माशाल्लाह हर पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है तो मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ अपने कुछ सब्ज़ी के प्लांट्स शेयर करूंगी और दिखाऊंगी कि उनकी ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है तो ये मेरे कुछ सब्ज़ी के प्लांट्स हैं जो मैंने अपनी घर की छत पर लगाए हुए हैं और घर के बीजों से ही इनको मैंने स्टार्ट किया है तो ये मेरे कुछ वेजिटेबल प्लांट्स हैं जो मैंने बहुत ही छोटे कंटेनर्स में लगाए हुए हैं और बहुत इनकी अच्छे से ग्रोथ चल रही है तो मैंने अपने घर की छत पे बहुत सारी सब्ज़ियाँ उगाई हुई हैं जिनमें टमाटर है हरी मिर्च है, हर है सलाद के पत्ते हैं और इसी तरह से ये देखें ये हरी प्याज है अगर आप हरी प्याज़ से प्याज के बीज लेना चाहें तो इसके ऊपर ही एक फ्लावर होता है और उसमें बीज होते हैं ये टमाटर के प्लांट्स हैं और इनकी भी ग्रोथ बड़े अच्छे से चल रही है और ये मैंने बहुत छोटे गमलों में पुदीना लगाया हुआ है और पुदीने की भी कंडीशन बहुत अच्छी है और मैं इसे हार्वेस्ट करती रहती हूँ ऊपर से कटिंग करती हूँ नीचे से नई ग्रोथ होती रहती है इसी तरह मैंने कुछ टमाटर के मटर के पौधे लगाए हुए हैं और इन पे भी देखें बहुत फ्लावरिंग हुई हुई है और कितने फ्रेश माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं और इससे मैंने बहुत सारे मटर हार्वेस्ट भी किए हैं ये मेरे सलाद पत्ता के प्लांट्स हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किचन गार्डनिंग अपने घर की छत पे करना चाहते हैं तो सलाद के पत्ते गाना बहुत ही आसान है एक बहुत आसान सी सब्ज़ी है आप इससे अपने हॉबी का स्टार्ट कर सकते हैं इसकी बहुत कम केयर है मैंने इसे हर तरह और हर तरह की जगह पे इसे ग्रो किया हुआ है ये बहुत आसान सा पौधा है इसके बीज जैसे ज़ीरा होता है इस तरह से होते हैं और बस आपने इसको मट्टी के ऊपर फैला देना है और मट्टी से इसको हल्की तय से कवर कर देना है और पानी देना है तो आप पूरे छः माह तक इससे जितनी आप कटिंग करते जाएंगे इसके पौधे निकलते रहेंगे और कटिंग करने के बाद इसके पौधे के ऊपर ही एक टहनी में इसके बीज निकल आते हैं और नेक्स्ट साल के लिए आप रख सकते हैं मैंने इसे बहुत सा से दूसरे प्लांट्स के साथ ग्रो किया हुआ है जैसे ये देखें हरी मिर्च के पौधे हैं इनके साथ मैंने इसे ग्रो किया हुआ है और ये बहुत इनकी अच्छी कंडीशन है आ, ये बहुत आसान सी सब्जी आप भी ग्रो कर सकते हैं तो प्लीज़ वीवर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अल्लाह हाफिज़